प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 12 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 23 से 31 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेत्रुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इसराइल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्रित थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार, पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, ये जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता की के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है
ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा में पेत्रुस और योहन को यीशु के नाम लेकर शिक्षा देने से कड़ी चेतावनी दी गई, लेकिन प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ऊंची आवाज में स्पष्ट किया कि समस्त संसार में ईसा के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ज्यों ही प्रेरितों ने अपने लोगों को सारी घटनाओं का जिक्र किया, ज्यों ही उन्होंने एकजुट होकर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति की, ज्यों ही प्रेरितों ने अपने लोगों को सारी घटनाओं का जिक्र किया, त्यों ही उन्होंने एकजुट होकर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति की। सुसमाचार की घोषणा निडर होकर करने के लिए उन्होंने शक्ति एवं धैर्य मांगा। पाठ के अंत में हम पढ़ते हैं कि सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता पूर्वक ईश्वर का वचन सुनाते रहे। और आज के सुसमाचार पाठ में हम यीशु और निकोदेमुस के बीच बातचीत को पढ़ते हैं। जी हाँ, यीशु के किए गए बहुत से आश्चर्य कर्म देखकर निकोदेमुस उसको ईश्वर की ओर से आया हुआ गुरु मानता है। ईसा उसको बताता है कि जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। यह जन्म कोई शारीरिक घटना नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा का वरदान है। इसलिए ईसा उससे कहते हैं कि जैसे हम नहीं जानते कि हवा किधर से आती और किधर जाती है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य भी हमारे समझ के परे हैं। निकोदेमुस को समझने के लिए ईसा पुराने व्यवस्थान से दो उदाहरण लेते हैं। पहला, दानियल के ग्रंथ में जैसे मानव पुत्र बादलों से स्वर्ग से उतरकर आता है, वैसे ही ईसा ईश्वर से आया है ताकि वह स्वर्ग राज्य के रहस्यों को हम मानवों पर प्रकट कर सके। दूसरा, मरुभूमि में यात्रा करते करते इसराइलियों का धैर्य छूट गया और वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इसलिए ईश्वर ने उनके बीच विषैले सांप भेजे ताकि वे मर जाएं। तब लोग मूसा के पास आए और सांपों को हटाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए उनसे अनुनय विनय की। ईश्वर के आदेशानुसार मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया ताकि उस पर दृष्टि डालकर सांप द्वारा डसे हुए इसराइली स्वस्थ हो जाएंगे। उसी तरह मानव पुत्र ईसा को भी ऊपर अर्थात क्रूस पर एवं स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ, ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यह ईश्वर की अपने जीवन को मनुष्यों के साथ सहभागिता की तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, बपतिस्मा के जल द्वारा हमने अपने पापों का कलंक धो डाला है और पवित्र आत्मा से हम नई सृष्टि बन गए हैं। रक्षा के अनुभव तक पहुंचने के लिए यह आत्मा हमारे दिल को रोशन करता है। वह हमें वचन सुनने और सुनाने, उसे स्वीकारने, आश्वासन की आंखें खोलने, मन परिवर्तन तथा विशुद्धिकरण के लिए योग्य बनाता है। आत्मा में जन्म लेने से व्यक्ति स्वार्थ तथा पापमय जीवन छोड़ता है और एक नया व्यक्ति बन जाता है। हम जो ख्रिस्त के अनुयायी हैं, आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस बिगड़ते समाज के लिए यीशु प्रेरितों और संतों जैसे नए व्यक्तियों की जरूरत है। जगत की ज्योति बनकर अपने पड़ोसियों को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हमें आत्मा की कृपा चाहिए। पाप की ओर से मरकर और आत्मा में पुनः जीवित होकर हम दूसरों को ईश्वर के राज्य में लाने के लिए काम करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
जी हाँ, आज के पहले पाठ में प्रार्थना की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यदि हम सच्चे और साफ हृदय से प्रार्थना करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होगा। सुसमाचार के माध्यम से हमें पुनः जन्म लेने की बात बताई जा रही है। शायद हमारा भी उत्तर निकोदेमुस के ही समान होगा कि क्या कोई अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर दोबारा जन्म ले सकता है। परंतु यीशु यहाँ इस तरह के जन्म की बात नहीं करते हैं। जितनी बार हमारे वस्त्र गंदे होते हैं हम उसे साबुन और पानी से धो डालते हैं। हम स्नान कर अपने आप को स्वच्छ कर पाते हैं, परंतु पाप से दूषित आत्मा को जल से साफ नहीं किया जा सकता है। पवित्र आत्मा तो परिवर्तन का प्रतीक है। पवित्र आत्मा वातावरण बदल देता है, नई सृष्टि करता है। पवित्र आत्मा ही दूषित आत्मा को स्वच्छ और नया कर सकता है। स्वच्छ और नई आत्मा को पाना ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के समान है। अर्थात हम फिर से नया जन्म पाते हैं, और यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना में जीवन जीते हैं, क्योंकि प्रार्थना के लिए हम ईश्वर के पास जाते हैं और हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा हर विश्वासी के हृदय में बसता है, और यही वही आत्मा है जो प्रत्येक विश्वासी को कलिसिया में समाविष्ट करता है। यह कलिसिया का मार्गदर्शन इसकी शुरुआत से दुनिया के अंत तक करता है। कैथोलिक कलिसिया की धर्म प्रश्नोत्तरी यही सिखलाती है। ईसा मसीह और पवित्र आत्मा का मिशन कलिसिया में पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि यह ईसा मसीह का शरीर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह संयुक्त मिशन ईसा के विश्वासियों को पिता और पवित्र आत्मा के साहचर्य के सहभागी बनाता है। पवित्र आत्मा मनुष्यों को तैयार करता है और अपनी कृपाएं लेकर उनके पास जाता है, जिससे वह उन्हें ईसा मसीह की ओर आकर्षित कर सके। पवित्र आत्मा उन्हें पुनर्जीवित प्रभु को दिखलाता है, उन्हें ईसा की बातों की याद दिलाता है, और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को समझ सकने के लिए उसके मन का द्वार खोलता है। वह परम प्रसाद में ईसा मसीह के रहस्य को प्रस्तुत करता है, जिससे कि ईश्वर से मेल मिलाप हो सके और ईश्वर और उनके बीच घनिष्ठता आए, जिससे कि वे बहुत फल उत्पन्न कर सकें। हम सभी क्रिस्तीय भी बहुत फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हमारी मानवीय कमजोरी हमें ईश्वर की कृपाओं से दूर करती है, जिसके कारण हम फल उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। अतः हम पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन जिए और प्रभु की दाखबारी में बहुत फल उत्पन्न कर सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। आमीन।